विभिन्न प्रकार के वाटरप्रूफिंग कार्य। अब हम विभिन्न प्रकार के वाटरप्रूफिंग कार्यों के बारे में जानेंगे। वाटरप्रूफिंग कार्य WC, बाथरूम, छत, ढलवा छत, पानी की टंकियों, बेसमेंट और स्विमिंग पूल में किया जाता है। वाटरप्रूफिंग कई तरह से की जाती है। इनमें से मुख्य है ब्रिक बैट कोबा विधि। इसमें तैयार की हुई सतह पर ग्रेडिट टूटे हुए मलबे के साथ 80 से 100 मिलीमीटर मोटी कोबा कंक्रीट बिछाना शामिल है। कंक्रीट चूने का हो सकता है अथवा वाटरप्रूफिंग यौगिक के साथ सीमेंट का मिक्सचर हो सकता है। यह सतह को अपेक्षित ढाल देने में उपयोगी है ताकि पानी जल्दी से बह जाए। याद रखें कि ब्रिक बैट कोबा से वाटरप्रूफिंग कार्य करने से पहले RCC स्लैब को साफ किया जाता है। बिखरे हुए सभी कणों, धूल और मलबे को साफ किया जाता है। वाटरप्रूफिंग यौगिक के साथ मिश्रित सीमेंट के घोल को साफ की हुई सतह पर बिछाया जाता है और असमान सतह पर फिलिंग का कार्य किया जाता है। दूसरी है सीमेंट या चूना आधारित वाटरप्रूफिंग। इस प्रकार की वाटरप्रूफिंग में सतह पर सीमेंट चूना के गारे की परत बिछाई जाती है। इससे ऊष्मा अवरोधन बढ़ जाता है। अगली है सिलिकॉन आधारित इम्प्रेजनेटार या पौचत महदंजवत। इस प्रकार की वाटरप्रूफिंग लोकप्रिय है क्योंकि यह इस्तेमाल करनी आसान है और सस्ती भी है। यह सजावट कार्यों के लिए भी की जाती है क्योंकि यह पारदर्शी होती है और इसे पत्थर की चिनाई और ईंटों की चिनाई में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी है टाइलों, मार्बल, ग्रेनाइट के लिए वाटरप्रूफिंग एडहेसिव। इस प्रकार की वाटरप्रूफिंग के लिए विभिन्न ढांचों पर टाइल ग्रेनाइट को फिक्स करने के लिए रासायनिक एडहेसिव का प्रयोग किया जाता है।